1,13,000 करोड़ के पी नोट भारत में आए। ऐसा लगता है जैसे खजाने की बरसात हो गई। जहां चाइना से निकल रहे हैं तो वहीं भारत में घुस रहे हैं। आखिर इस बरसात को क्यों कहा जा रहा है कि छप्पर फाड़ कर खजाना बरसा है? इस पी नोट के बदले में इन्वेस्टर्स क्या कमाने वाले हैं? क्या लाखों करोड़ों वापस भी लेकर जाने वाले हैं? जानेंगे क्या है पी नोट जिसको लेकर इतनी बड़ी चर्चा आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में आपको दो लाइनें दिख रही हैं। एक लाइन है जो जापान की है और एक लाइन है जो चाइना की है। निकी एशिया की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में चाइना के लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है। उन्हें डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका हाल जापान की तरह ना हो जाए। अचानक से डरने का क्या कारण है? तो आपको बता दें, ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे थे, इस ग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ चाइना का डर सामने निकल कर आ रहा है। दोनों का ग्राफ आपको एक जैसा नहीं लग रहा है? थोड़ा बहुत ही अंतर है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। दोनों की महंगाई, जापान की जनवरी 1990 से दिसंबर 1996 की और चाइना की जुलाई 2016 से जून 2023 की, दोनों के ग्राफ में एकदम अंतर है। एक तरफ चाइना 2%, जापान 3%। थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ये ग्राफ। और यही ग्राफ है जो इस वक्त चाइना को डरा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर, चाइना की इकोनॉमी में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है। IMF ने हाल फिलहाल में चाइना को वार्निंग दिया और कहा कि आप रेड लाइन तक पहुंच रहे हैं, जरा संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्थिति खराब हो जाए। वैसे पहले से ही चाइना के लोग सोच रहे हैं कि कहीं हमारा भी बबल वैसे ना फूट जाए जैसे जापान का फूटा था। जापान भी ऐसा आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा था कि ये कहा जाने लगा था जापान अमेरिका को क्रॉस कर देगा और दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा आर्थिक तौर पर। उस वक्त था भी ऐसा। मार्केट में हर जगह आपको जापान की चीज़ें ही देखने को मिलती थी, जैसे हाल फिलहाल में चाइना की चीज़ें देखने को मिलती थी। तो जापान ऐसा सोच रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी चाइना के हालात देखिए। चाइना का बाकी सेक्टर की बात तो हमने कई बार कही है कि चाइना के अंदर फैक्ट्रियाँ भाग रही हैं, निवेश कम हो रहे हैं, कंपनियाँ यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन चाइना का एक और सेक्टर था जहाँ से पैसे आते थे और चाइना का वो सेक्टर था पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग में भी बाबा जी की ठुल्लू वाला हाल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है ना, वो अंतर सुनकर एक बार दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे आप। 2019 में जितने पर्यटक आते थे चाइना में, उसकी तुलना में 98% कम आ रहे हैं, माने कि मात्र 2%। अब अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना के पर्यटन विभाग में इतना ज़्यादा समस्या क्यों? कहा जा रहा है कि इस साल के क्वार्टर में मात्र 52,000 लोग ही आए हैं चाइना के अंदर। और आपको बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल की ये कटिंग, 2019 की तुलना में ये 98% कम है। और आपको बता दें, अचानक से ऐसा क्यों हुआ? चाइना को ये झटके क्यों मिल रहे हैं? तो आपको बता दें, दो बात है। एक तो पहला, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का, इसने एक एडवाइजरी जारी करी। इसने कहा, आप लोग, जून महीने में की ये एडवाइजरी है, आप लोग अगर चाइना जाने की सोच रहे हैं तो अपने सोच को 2-3 बार जरूर घुमा लें, क्योंकि आप चाइना में बंदी हो सकते हैं, आपका डिटेंशन हो सकता है, आपके ऊपर किसी तरह के बैन लग सकते हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी की थी अमेरिका की। अब अमेरिका की वार्निंग जारी हो जाए और अमेरिकी नागरिक जाएं, यहाँ पर विजिटर्स कम हो गए। फिर ये देखने को मिल रहा है कि जो चाइना टूरिज्म एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो यात्री आते थे, वो यात्री ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया से आते थे और इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए चाइना का ये विभाग भी धराशायी होता हुआ दिख रहा है।
ऊपर से प्रकृति जो मार मार रही है, जो थपेड़े लगा रही है, वो तो अलग है। जहाँ तक चाइना इकोनॉमी की हमने बात करी, वहीं भारतीय इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आजकल कुछ बढ़िया बढ़िया खबरें निकल कर नहीं आ रही है। एक तरफ मॉर्गन स्टेनले ने कहा कि भारत ऊपर जा रहा है ऊंचाई में, तो चीन गहराई में जा रहा है नीचे, और दोनों के स्टेटस में भी बदलाव डाल दिया। चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका तो था ही। फिर S&P ने कहा कि भारत बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन को पार कर जाने वाला है, इसलिए ये मत समझो कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब दुनिया भर में मंदी है, दुनिया भर में अनिश्चितता है, सबकी इकोनॉमी डमाडोल है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी इस वक्त स्थिर है। भारत के अंदर हर चीज स्थिर देखी जा रही है। भारत का फॉरेन रिजर्व भी एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जिसे आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, हमें कम से कम $600 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व में रहना चाहिए, फॉरेन रिजर्व में है। सारे माहौल भारत के लिए पॉजिटिव बन रहे हैं, और इस पॉजिटिव में बहुत सारी खुशखबरी भी आ रही है। जैसे कि भारत में पी नोट इन्वेस्टमेंट हुए 1.13 लाख करोड़, माने कि 1,13,000 करोड़। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या है पी नोट जिसको लेकर भारत एकदम खुश हो गया है कि जून एंड तक हमें इतना ज़्यादा मिला है, 5 साल में जितना नहीं मिला था उतना अभी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो आपको बता दें, भारत के शेयर मार्केट में अगर कोई विदेशी पैसा लगाना चाहता है तो उसे कुछ नियमों के तहत गुजरना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो सेबी देती है उनके जरिए गुजरना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए पी नोट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए विदेशी भारत के अंदर पैसा लगा सकते हैं, भारतीय शेयर मार्केट पर पैसा लगा सकते हैं। तो भारत के अंदर विदेशों द्वारा 1.13 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है पी नोट की, यानी शेयर बाजार में इतना ज्यादा विदेशियों ने लगाया है। अब विदेशी क्यों लगा रहे हैं इतना ज्यादा पैसा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है, तो बात साफ है, इनको दिख रहा है कि आज हम 1,000 लगाएंगे लाख पाएंगे, लाख लगाएंगे करोड़ पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय भारत का ही है। भारत का मार्केट स्थिर है, भारत की इकोनॉमी स्थिर है, दुनिया भर में समस्याएं हैं लेकिन भारतीय इकोनॉमी आगे के तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बहुत मोटा माल बनाएंगे, और यही वजह है कि भारत के अंदर पी नोट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हालांकि भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस तरीके से भारत का रेपुटेशन भी दुनिया भर में बढ़ा है कि देखो दुनिया से भारत की तरफ इन्वेस्टमेंट एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। खैर, क्या आपको लगता है कि सरकार की नई नीतियों की वजह से बदलाव हो रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।